अतः बुद्धा कथा है कि एकदा खोपडे जप्त झाली तपासातून पुढे जाणार तपासात आणखीन वेगवेगळे फाटे फुटत जातात. आता मी तुम्हाला दुसरं उदाहरण देतो. हसन मुश्रीफ, हसन मुश्रीफ जे कंपनी मंत्रालयाने तक्रार केली आणि महाराष्ट्राच्या कोर्टाने दखल घेतली कॉग्निझेबल ऑफेन्स, कॉग्निझेबल ऑफेन्स झाल्यानंतर ईडी ऑटोमॅटिकली कम्स इन टू पिक्चर. तर ज्यावेळी ईडी त्याचा तपास सुरू करणार त्यात आणखीन खूप बाहेर येऊ शकते. आणखी काही या प्रकारातल्या प्रॉपर्टी उदाहरण दिलं यांच्या संजय राऊत म्हणजे आता माहित नाही ना उद्धव ठाकरे तो तपास आरवण्याचा प्रयत्न करतात. सहमंत्री दिलीप वळसे पाटीलचं विधान अत्यंत भेदभावपूर्ण आहे. ईडीचा मुद्दा तुम्ही पोलिसांनी एसआयटी नेमतात कोणत्या सेक्शन मध्ये ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी जर भ्रष्टाचार केला ते ईडी डिरेक्टर कडे यू कॅन गो टू होम सेक्रेटरी ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. तुम्ही तर प्रधानमंत्रीकडे गेलात, तुम्ही तर राज्यसभेच्या अध्यक्षांना सांगितलं. काय सांगितलं होतं राज्यसभेच्या अध्यक्षांना संजय राऊतनी? हे सांगितलं होतं की माझ्या मुलीचा लग्नात ज्यांनी डेकोरेशन केलं त्याला बंदूक दाखवून त्याच्याकडून लिहून घेतलं. त्या गोष्टीला 2 महिने झाले. उद्धव ठाकरेची जबाबदारी नाही, गृहमंत्री जबाबदारी नाही, तुम्ही राज्यसभेचा अध्यक्ष ना उपराष्ट्रपतींना दिलं होतं. दाखवले डॉक्युमेंट अजूनपर्यंत कुठेच नाही. उलटे त्या डेकोरेटरनी 18.5 लाखाचा अधिकृत डेकोरेशनचं बिल केलं, त्याचं संजय राऊतनी पेमेंट नाही केलं ही तक्रार केली. पण मी त्या विषयात नाही गेलो. मुलीचं लग्न आहे, राहू द्या. मैं फिर एक बार हिंदी में कहूंगा बाबा जाऊन ईडीला सांगणं भाजपला कशाला दान करण्याची गोष्ट करतोय. आणि 55 लाख त्यांनी परत का केले? परत का केले? जर ईडी खोट बोलत होते किरीट तुम्ही खोट बोलत होते तर 55 लाख परत का केले? म्हणून संजय राऊत ना तर जातावर ज्याची प्रॉपर्टी जप्त झाली त्याला बोलण्याचा काय अधिकार आहे? ते म्हणतात डेकोरेटरच्या डोक्यावर ईडीने बंदूक ठेवली होती. संजय राऊत तुमच्या डोक्यावर बंदूक ठेवली होती का ईडीने? 55 लाख परत जाऊन दिले. हिंदी में बताता हूं फिर वापस मराठी में विचारो. एक हिंदी में बता रहा हूं, हिंदी ना, हाँ बोल देते. हिंदी एंड इंग्लिश में दो वाक्य. शिवसेना नेता, संसदीय दल के नेता, प्रवक्ता और उद्धव ठाकरे के राइट हैंड संजय राउत जी की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी अब ईडी ने जब्त की है, जिसमें दादर में करोड़ों रुपए का फ्लैट है, अलीबाग की जमीन है, जिस संदर्भ में कई दिनों से पूछताछ चल रही थी उस संदर्भ में संजय राउत ने डर के मारे किरीट सोमैया का भी नाम लिया था. जो गोरेगांव में पत्राचाल एक प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट में संजय राउत के मित्र, आर्थिक पार्टनर प्रवीण राउत 1,048 करोड़ का घोटाला किया, HDIL PMC बैंक का पैसा उसमें आया और उस प्रोजेक्ट के दृष्टि से ऐसा लग रहा है कि संजय राउत सहायता करते होंगे, सलाह देते होंगे. यह प्रॉपर्टी जब्त हुई है और भी कुछ इसमें होगा. लगभग 8-10 महीने पहले संजय राउत ने इसी किस्से के अंतर्गत स्वयं जब ईडी ने उनको समन्स करके बुलाया था तो 55 लाख रुपए का चेक, 55 लाख मुझे मिले थे ऐसा करके 55 लाख वापस दे दिए.
हमारी अपेक्षा यह थी कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे संजय राउत को पूछेंगे कि भाई 55 लाख तुम स्वयं वापस दे रहे हो, प्रवीण राउत जेल में जा रहा है, आपके उनके परिवार के घनिष्ठ संबंध पार्टनर हो, व्यावसायिक बिजनेस पार्टनर, दोनों की पत्नियां कंपनियां, तो उसको कारण पूछेंगे कि 55 लाख किस लिए मिले थे, 55 लाख चेक से मिले तो रोकड़े में कितने मिले होंगे, संजय राउत की टिकट, एयर टिकट, होटल बुकिंग, फॉरेन पिकनिक, ये क्या क्या संजय राउत के व्यवस्था प्रवीण राउत ने और उस कंपनी ने की थी, करोड़ों रुपए कोई क्यों करेगा। और इसके लिए तपास जारी था, आज ईडी ने एक और प्रवीण राउत के ऊपर चार्जशीट और दूसरी ओर संजय राउत की प्रॉपर्टी जब्त करना। मेरी मांग है ईडी अभी यहां पर रुके नहीं, इनकी विमान की टिकटें, होटल बुकिंग, करोड़ों रुपया लेना देना, ये सब क्यों किया गया, क्या संजय राउत इसमें कनाइवंस है क्या। ये जो पीएमसी एचडीएल के द्वारा करोड़ों रुपया लूटना, सरकारी परवानगी परमिशन प्राप्त करके देना, इसके बारे में आगे सोचना चाहिए। मुझे दुख इस बात का है कि आज सुबह में महाराष्ट्र का गृह मंत्री कहते हैं, जब उनको पता चला कि संजय राउत इस घोटाले में इन्वॉल्व है, तो उन प्रामाणिक अधिकारियों के ऊपर दबाव लाने के लिए दिलीप वल्से पाटिल सुबह में बोलते हैं कि मुंबई पुलिस की सीआईटी एसआईटी बना रहे हैं, वो ईडी के अधिकारी की जांच करेंगे, किरीट सोमैया की जांच करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट किया था कि महाराष्ट्र के घोटालेबाज कितना भी दबाव लाएंगे, केंद्र की जो यंत्रणा है, फिर वो सीबीआई हो, एनआईए हो, एसएफआई हो, कंपनी मंत्रालय हो, आरओसी हो या ईडी हो, इनकम टैक्स हो, वो अपना काम करेंगे। गत सप्ताह में मैंने वापस इनकम टैक्स और ईडी के अधिकारियों की मुलाकात की थी, मेरी प्रार्थना है कि ईडी और आयकर विभाग के अधिकारी भी इस जांच में जुटे, सहभागी हो जाए। आर्थिक कैश व्यवहार कितने रुपए का हुआ है वो भी जांच करनी पड़ेगी। और मैं दिलीप वल्से पाटिल जी से प्रार्थना करना चाहूंगा, हमारा जो संविधान है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने बनाया है, कोई केंद्र या किसी संस्था के अधिकारी की अगर गलती है तो उच्च अधिकारी को कहा जाता है, आप एसआईटी खड़ी करके आपके माफिया मंत्री नेताओं को बताना चाहोगे तो उसमें सफल नहीं होगे। माफियाओं को जो ठाकरे सरकार के माफिया सरदार मंत्रियों की जांच होगी, कार्रवाई होगी। टुडे द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी हैड अटैच फ्यू करोड़ों प्रॉपर्टी ऑफ शिवसेना लीडर संजय राउत इन 1048 crore स्कैम ऑफ प्रवीण राउत द पत्राचाल प्रोजेक्ट। It is observed that the crores of rupees benefit has been passed on to Sanjay Raut through various means. It may be noted that just a couple of months back, Sanjay Raut has repaid rupees 55 lakh deposited to ED. Last week also I had visited and met officials of Income Tax Department and Enforcement Directorate. And I had appealed them that a detailed investigation should be conducted about the role of Sanjay Raut. Income tax also must check about the cash transaction. And I would like to question Chief Minister Uddhav Thackeray, in spite of the knowledge that he has returned 55 lakh, that means he is involved. On his complaint, he has...